और इस वक्त सबसे ज्यादा डर जो है यूरोप में फैला हुआ है वो इसलिए क्योंकि बाइडेन ज़ेलेंस्की को F-16 फाइटर जेट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। खतरा इस बात को लेकर है कि पुतिन इसका बदला पूरे यूरोप से कैसे ले सकते हैं, लेकिन F-16 को लेकर ज़ेलेंस्की एक बड़ा फैसला ले सकते हैं जो पुतिन से ज्यादा बाइडेन को हैरान कर सकता है। ज़ेलेंस्की को F-16 मिला तो मॉस्को पर अटैक जरूर होगा। ये बात पुतिन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मॉस्को पर ड्रोन से अटैक हो चुका है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन वाला इरादा अब F-16 फाइटर वाला अवतार लेने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो रूस की धरती को F-16 से निशाना बनाया गया तो ये बात तय है कि पुतिन पूरे यूरोप को जलाकर राख कर देंगे। बाइडेन को यह बात बता दी गई है। अगर ज़ेलेंस्की ने ऐसा किया तो पुतिन क्या करेंगे, कौन कौन से शहर तबाह करेंगे, कहां कहां रूस आग लगा देगा। पुतिन के सबसे बड़े टारगेट पर रहेंगे नॉर्वे, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क, जिनके जरिए ज़ेलेंस्की को F-16 मिल सकते हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले यही देश होंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ये तो नेटो देश पर हमला माना जाएगा, फिर रूस और नेटो की सीधी टक्कर शुरू हो जाएगी। ऐसे में ये लड़ाई विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है और फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर एक दूसरे पर हमला करेंगी। ऐसे में साफ खतरा परमाणु युद्ध का होगा, लेकिन बाइडेन ने यह रिस्क ले लिया है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से मिलकर F-16 के बारे में एक कसम खाई है। बाइडेन का दावा है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से वादा लिया है, वादा ऐसा जो ज़ेलेंस्की कभी नहीं तोड़ेंगे। इस बात का पूरा भरोसा बाइडेन को है। बाइडेन का कहना है कि G7 मीटिंग में हुई मुलाकात में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उनके सामने शपथ ली। ज़ेलेंस्की ने कसम खाई कि F-16 रूस के इलाके में दाखिल नहीं होंगे। वो ऐसी गलती अनजाने में भी नहीं करेंगे क्योंकि इससे बाइडेन की इज्जत भी जुड़ी हुई है। बाइडेन ने पुतिन को जुबान दी हुई है और ज़ेलेंस्की बाइडेन को कभी धोखा नहीं देंगे। यूक्रेन ने अमेरिका को इस बात का भरोसा दिला दिया है। F-16 पुतिन की सीमा में दाखिल हो गए तो पुतिन का गुस्सा यानी रूस की एयर स्ट्राइक चार देशों पर 24 घंटे के अंदर की जाएंगी। मॉस्को यूक्रेन के बॉर्डर से 500 किलोमीटर के दायरे में है। ये रेंज F-16 जैसे फाइटर जेट को कवर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर F-16 मॉस्को या रूस के किसी और शहर पर अटैक करता है तो पुतिन का गुस्सा नहीं बल्कि ज्वालामुखी फटेगा और फिर रूस का हमला चार देशों पर हो सकता है। इसमें नॉर्वे, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क के साथ पोलैंड भी शामिल है। पोलैंड ही वो देश है जिसके जरिए नेटो सभी हथियार यूक्रेन भेज रहा है। F-16 बहुत ही खास जहाज है और ये यूक्रेन के अंदर जहां जहां रूस का कब्जा है वहां ऑपरेट कर सकता है। रूस की फौज पर बम भी गिरा सकता है और रूस के फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट यानी हवाई मुकाबला भी कर सकता है। बाइडेन ने अभी सिर्फ इसी बात की इजाजत दी है। I have a flat assurance from Zelensky that they will not use it to go on and move into Russian geographic territory, but wherever Russian troops are within Ukraine in the area, they would be able to do that. ज़ेलेंस्की F-16 के लिए लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं।
इसके लिए वो यूरोप की हर बड़ी कैपिटल का दौरा कर चुके हैं, अमेरिका के नेताओं से कई मुलाकात कर चुके हैं। जब जेलेंस्की वॉशिंगटन डीसी गए थे तब भी उन्होंने बाइडेन से F-16 मांगे थे। जब बाइडेन अचानक कीव के दौरे पर आए तब भी जेलेंस्की ने F-16 की डिमांड की। अब जेलेंस्की की मेहनत रंग लाई है और G7 में अमेरिका ने कह दिया है कि उसे F-16 दिए जाने से कोई एतराज नहीं, लेकिन अब सब कुछ जेलेंस्की पर निर्भर करेगा। वो क्या फैसला लेंगे, क्या टारगेट चुनेंगे। 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद जेलेंस्की को लेकर अमेरिका का भरोसा काफी कम हुआ है, लेकिन यूरोप की जिद के बाद बाइडेन पिघल गए और उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि कसम खाओ कि रूस पर अटैक नहीं करोगे। जेलेंस्की इस बात के लिए राजी हुए और अब यूक्रेन के लिए F-16 का रास्ता खुल गया।